हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और ये एक बाइक है, इसमें झटके की प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए, एक्सीलेटर लेने पर थोड़ा सा झटका लेती है और बंद हो जाती है। तो इसकी क्या समस्या है, किस चीज़ में इसमें ख़राबी है, हम चेक करेंगे और फिर मैं आपको बताता हूँ कंट्रोलर में मिस्टेक है या मोटर में। तो इस तरह के झटके कभी कभी थोड़ी आगे भी चली जाती है, ये देखो थोड़ी आगे चली जाती है और झटके की इसमें ये समस्या है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, ज़्यादातर आगे जाती नहीं। तो इसके कंट्रोलर में है या समस्या या मोटर में, मैं आपको चेक करता हूँ। पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ में आपकी ये समस्या है, तो आप इसे आसानी से पकड़ पाएंगे और सॉल्व भी कर पाएंगे। चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ चेक करके क्या प्रॉब्लम है। देखिए, ये इसमें कंट्रोलर है, ये स्मार्ट कंट्रोलर है, इसमें वायरलेस कंट्रोलर है। तो हम इसकी अभी टेस्टिंग करेंगे, कंट्रोलर में मिस्टेक है या मोटर में। मैं पहले मोटर चेक कर लूँगा, उसके बाद फिर कंट्रोलर देखेंगे। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसके कंट्रोलर में ही प्रॉब्लम है, कंट्रोलर ही इसका ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। ये जो लाइट आपको देख रहे हैं आप, ये सर्किल में चलती है, बट ये सर्किल में नहीं है, अपोर्टेज डायरेक्शन इसकी जा रही है, जिसकी वजह से कंट्रोलर मोटर को चला नहीं पा रहा है। कंट्रोलर की ही मिस्टेक है इसमें। आप चाहें तो कंट्रोलर भी चेंज कर दें, या फिर इसी को रिपेयर कराना चाहें तो ये भी रिपेयर हो जाएगा। हम इसका कंट्रोलर ही चेंज कर देते हैं, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, ये कई बार रिपेयर भी हो चुका कंट्रोलर, तो इस बार इसको चेंज ही कर देते हैं। ये देखिए, एक्सीलेटर लेने पे कभी तो आ जाता है, पर थोड़ी देर बाद इसका सर्किल टूट जाता है। देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको, अभी ये अपोजिट उसमें है। अभी ये देखिए, डायरेक्शन ठीक जा रही है, पर इसके बाद थोड़ी देर में इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये देखिए, हो गई। तो इसका कंट्रोलर ही हम चेंज कर देते हैं, और इसकी बैटरीज़ भी वीक हैं, बैटरीज़ भी हम इसकी चेंज कर देंगे, गाड़ी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत इसमें फिर नहीं आने वाली। तो दोस्तों, मैं इसका कंट्रोलर निकाल देता हूँ। ये देखिए, पुराना कंट्रोलर है और ये हमने नया इसमें लगा दिया है। इसके प्लग थोड़े चेंज थे, तो मुझे वायर कट करके इसकी वायरिंग करना पड़ी। इसकी वायरिंग की जो वीडियो है वो एक अलग से मैं बना दूंगा आपको, सारे वायर उसमें कौन सा वायर कौन सा है मैं दिखा दूंगा। ये देखिए, 48-60 वोल्ट में 35+1 एम्पियर में ये कंट्रोलर है, और ये भी सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है इसमें, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मैं दिखा देता हूँ क्लियर आपको। ये देखिए, 48-60 वोल्ट में ये भी है, 35+1 एम्पियर इसका भी है, सेम कंट्रोलर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बैटरी भी हमने चेंज कर दी, का बाइक हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइक बढ़िया चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वायरिंग का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में, इस कंट्रोलर की जो वायरिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। बाइक कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसको फिट कर देंगे। तो इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो मोटर या कंट्रोलर दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम होगी, किसी भी चीज़ में आप चेक कर लें। टेस्टिंग डिवाइस से भी कर सकते हैं, मीटर से भी कर सकते हैं, जैसे भी आप ठीक समझें। ओके दोस्तों, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।